अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू पर आप देख रहे हैं आपके शहर में और मैं हूं अहमद शाहीन। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं वेस्ट लंदन में, जहां पर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, यहां पे कौन से लोग शरीक हैं, कौन से मेहमानान हैं जो यहाँ पर आए हैं और इस प्रोग्राम को क्यों मुनक़द किया गया है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। अपना
पाकिस्तान के माया नाज सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ाइट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज के इस इवेंट में मेहमान खसूसी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप यहाँ पे आए। और सुहेल साहब, जिस मकसद के लिए इस प्रोग्राम को किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये एक नेक मकसद है, और नेक मकसद यह है कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ आ गए हैं, उनको पाकिस्तान के लोगों के दुखों का एहसास है, वो उनके दुखों का मदावा चाहते हैं, कोई दरमा चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ से लोग फंड्स इकट्ठे करते हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी और दूसरी सोसाइटियाँ मिलके कहीं नाबीना लोगों की बिनाई बहाल की जाती है, तो कहीं तालीमी अदारे खोले जाते हैं। तो मैंने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का देखा है कि बहुत जगह कैट्रिक्स के ये ऑपरेशन करते हैं, जिससे हज़ारों लोग जो हैं उनकी बिनाई बहाल हुई। तो ये नेक मकसद है, इसमें हिस्सा लेना चाहिए। कहते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताद के लिए कुछ कम न थे करो बया। यानी इंसानियत और इंसान के पैदा करने का मकसद सिर्फ इबादत और अताद नहीं था। अगर सिर्फ इसी पे इक्तफा करना होता तो फरिश्ते काफी थे। असल बात थी कि एक ऐसी चीज खुदा ताला ने पैदा की इंसान, जो कि एक दूसरे के लिए दर्द रखे, एक दूसरे के लिए महसूस करे। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद सादिक साहब मौजूद हैं, सटन कौंसिल के मेयर हैं, माजी में भी मेयर रह चुके हैं, कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव हैं, अक्सर तकरीबात में भी मुलाकात होती है। सर बहुत शुक्रिया एक तो आपका माशाल्लाह यहाँ पे आने का। सादिक साहब, बताइएगा, जिस तरह से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिस मकसद के लिए किया गया है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट ने अभी तक 88,000 कैटरेक ऑपरेशन पाकिस्तान में किए हैं, और इनका टारगेट, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 1 मिलियन है, और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। मेरी सब अपने जो हैं पाकिस्तानी, ओनली नॉट जस्ट पाकिस्तानी, सब एशियंस जो हैं मुसलमानों से यही इल्तजा है, यही रिक्वेस्ट है कि इस चैरिटी को जितना भी वो सपोर्ट कर सकें करें, क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें अल्लाह ताला ने इतनी इस्तात दी है कि हम सपोर्ट कर सकें, हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इतना वो नेक काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, आपको पता है, जिसकी आंखें गई उसकी दुनिया गई। जब तक ये ऐसे लोग काम करते रहेंगे, ऐसी चैरिटीज़ काम करती रहेंगी। अभी इस्लाम चैनल है, आप जो काम कर रहे हैं, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा आपके मुंह के ऊपर, आप जो काम कर रहे हैं, दिस इज़ एक्सेप्शनल। 132 कंट्रीज़ में जाता है इस्लाम चैनल, आप ये देखें, यू नो आई थिंक मोर देन एनी अदर चैनल इन दी वर्ल्ड, यू नो, जहाँ पर आप जाते हैं। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, आपको भी और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, और ऐसी जो हैं चैरिटीज़, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त कौंसलर लियाकत अली साहब मौजूद हैं, और कम्युनिटी में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क भी करते हैं, कम्युनिटी को, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को भी साथ लाने के लिए कोशा रहते हैं, आज के इस प्रोग्राम में भी मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह यहाँ पर आए हैं। जिस मकसद के लिए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट इस प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट इज़ डूइंग अ गुड जॉब, वो काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, और आज उनका 88,000 वो आंखों का कैटरक का, एंड दिस इज़ अमेजिंग स्टफ, ये जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ आंखों का नहीं, और भी काम कर रहे हैं। सो विश देम ऑल द बेस्ट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों को मैं समझता हूँ सपोर्ट भी करनी चाहिए, मैंने सपोर्ट भी किया, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का देख कर आया हूँ, वहाँ पर आए हॉस्पिटल, वहाँ पर मीरपुर में इन्होंने जब ओपनिंग की, मैं वहाँ पर था। So I've seen all of the work that they do wonderful work. Mera Nabi Tera Nabi, 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 Al Mustafa Al Mustafa al
अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के आज इस होने वाले प्रोग्राम में हम मौजूद हैं। यहाँ पर स्टॉल भी लगा हुआ है जहाँ पर मुख्तलिफ वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं। रिजवाना लतीफ़ साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में भी वो शिरकत कर रही हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं। इस्लाम चैनल उर्दू पर आप प्रोग्राम भी करती हैं। रिजवाना बाजी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा, ये जो आज यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से, इसके बारे में। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी तौर पर अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट हर साल ये जो चैरिटी डिनर करती है, इसका मकसद ये है कि हमने एक टारगेट अपने लिए सेट किया था कि 2020 तक हम 1,00,000 लोगों को उनकी बेनाई वापस लौटाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम इस चीज़ को जहां सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने 88,000 लोगों की आँखों का ऑपरेशन करके उनकी रोशनाई को वापस दिलाया है, वहीं पर ये इस मकसद के लिए भी हम इकट्ठे हुए हैं कि हम फर्दर फंड्स रेज कर सकें ताकि 2020 में हम अपने इस टारगेट को सेलिब्रेट कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं, एक पूरा सेटअप किया गया है। ये बताइएगा, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? जी, ये बेसिकली हमारा रिसेप्शन डेस्क है और ये सब बच्चियां और बच्चे हमारे वॉलंटियर्स हैं जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को बहुत खुशी से और शौक से करते हैं। तो ये यहाँ पर आने वाले लोगों की जहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वहीं पर उनको उनके टेबल नंबर्स एलोकेट कर रहे हैं एंड दे आर हैविंग फन टू। हम वॉलंटियर डेस्क पे इस वक्त मौजूद हैं। सफ़िया साहिबा यहाँ पर हैं, अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की वॉलंटियर हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आप बताइएगा, आप माशाल्लाह यहाँ पे वॉलंटियर कर रही हैं अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के साथ, क्या फ़ायदा होता है जो लोग वॉलंटियर करते हैं और क्यों करते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। वॉलंटियर हैं यहाँ पे सब एजेस के लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, यंगस्टर्स भी हैं और हमारे जैसे सीनियर लोग भी हैं। वॉलंटियर्स को ये फ़ायदा होता है कि वी आर सर्विंग ह्यूमैनिटी। अलमुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे भी और उन कंट्रीज़ में जहाँ पे लोगों को बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं, सब लोग स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, यहाँ पे आज के प्रोग्राम में भी आए हैं, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ भी कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। सबसे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप अपना नाम बताइएगा। गुलना। आप क्यों, आप तो माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, लेकिन आप ये वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में क्यों इन्वॉल्व? I think it's important that children and everyone of all ages should be aware of volunteering in charity and helping others so that we can start from young and so that it becomes part of our lifestyle. That's fine. Aapka naam? Fatima. Acha Fatima, aap batayega aap yahan pe kya kaam kar rahi hain, yahan volunteer kaun se task aapko diye gaye? I am sending people to their tables and I'm also doing a fundraising activity, which means that we are giving sheets of paper and then they take them and they donate money to Al-Mustafa. That's fine. Mashallah. What's your name? Basira. Basira, aap batayega, aap Al-Mustafa Welfare Trust ke sath yahan pe as a volunteer is waqt aap maujood hain. Why you choose this organization? I think it's really important to raise awareness of different issues. Like, for example, Al-Mustafa Welfare Trust today, right, this event, we're focusing on like eye surgeries and people in other countries who don't have like the luxury of having a basic need of like sight. And I think it's really important that we raise awareness of and support that as well. What's your name? ईमान, आप बताइएगा, आपके ख्याल में ये वॉलंटियर एक्टिविटी करने से, वॉलंटियरिंग करने से क्या फ़ायदा होता है? आप तो स्टूडेंट हैं, ये अच्छा नहीं होता कि आप घर में बैठ के अपना होमवर्क कर रही होती? नहीं, ऑफकोर्स वॉलंटियरिंग से you build your communications and then it's a good community to join in the first place, because staying at home, like, everybody does that in the first place, but if you come here, then first of all there's so many benefits to it, and just this charity especially, because we're doing voluntary with them. There's so many, as she already mentioned, what we're doing right now, it's good to get awareness, good to spread awareness. नाज़रीन, अब्दुर्रज़ाक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के रूहे रवां हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो माशाल्लाह आपको मुबारकबाद हो। 88,000 जो ऑपरेशन हैं वो हो चुके हैं आँखों के हवाले से, इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे मुमकिन हुई ये जर्नी और आगे के क्या प्लान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस्लाम चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लाम चैनल और अलमुस्तफ़ा चोली दामन का साथ है, एक साथ चल रहे हैं। हमने जब आई ऑपरेशन शुरू किए थे, इस सेक्टर में काम जब आगाज़ काम का आगाज़ किया था,
आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई मुस्लिम चैरिटी सेक्टर में काम नहीं कर रही थी। ये मैं चैलेंज से बात कर रहा हूँ। अब हमें बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, बड़े बड़े इदारे फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें ये वोम है कि हम थ्योरी पेश करते हैं, हमारा बड़ा जेन है, लेकिन हमें फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 88 का जो हमारा सफ़र था वो अल्हम्दुलिल्लाह 10 सालों में सफ़र तय किया, और इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट ईयर ये टारगेट है 2020 तक हम 1,00,000 लोगों तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट ईयर ज़िंदगी वफा करे, आप लोग भी जिंदा रहें, हम भी जिंदा रहें इसी जगह पर इंशाल्लाह ताला। जो यार इवेंट हो रहा है अल-मुस्तफा का, इसी जगह पर 1,00,000 लोगों का हम एड्रेस बताएँगे लोग इंशाल्लाह ताला, और वो सफ़र तय होगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये टारगेट अचीव करेंगे। ठीक है, मैं पिछले 5 साल से अल-मुस्तफा की डोनर हूँ, और खाली सिर्फ डोनेट ही नहीं करती हूँ, मैं पाकिस्तान जाती हूँ, हर साल जाती हूँ, ऐसे वॉलंटियर काम कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर मैंने 1 आई कैम डोनेट किया था, लेकिन लास्ट ईयर माशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ माय फैमिली एंड फ्रेंड्स हमने 7 आई कैम डोनेट्स किए थे, और फिर मैं वहाँ 7 सिटीज़ में ख़ुद गई थी, और वहाँ जाके अल-मुस्तफा की टीम के साथ, इधर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी मुझे एक्सपीरियंस है कि वो बहुत ही एफिशिएंटली काम करते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ, जिसकी वजह से फिर मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताती हूँ और मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और बहुत मुतमईन हूँ। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसका अहतमाम अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से किया गया था। हमने देखा कि यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में आए थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आए थे, कम्युनिटी के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पे मौजूद थे। अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ना सिर्फ अपने गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी का बताया गया, बल्कि आने वाले मंसूबों के बारे में भी लोगों को आगाह किया गया। यकीनन इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, कम्युनिटी को मिलजुल कर बैठने का मौका मिलते रहना चाहिए। यहाँ से इजाज़त दें, अगली बार आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी नई जगह नई सरगर्मी के साथ आपके शहर में। Subhanallah.
सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह।